Hi guys, welcome back to my channel Komal Makeup Vlogs, and today is my topic about oil and serums. ऑयल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, सीरम क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद सीरम के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सीरम्स के बारे में जानते हैं. कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो सीरम्स के बारे में जानते हैं बट यूज़ नहीं करते हैं, उनका यूज़ नहीं पता हो या फिर नॉर्मली ऑयलिंग करके वो चीज़ छोड़ देते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि ऑयल की क्या बेसिक नीड्स होती है हमारी हेयर के लिए और सीरम्स की क्या नीड होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको स्कैल्प के बारे में बताऊंगी कि हमारी स्कैल्प जो होती है कुछ की ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है, कुछ की नॉर्मल होती है. जिनकी नॉर्मल होती है उनको ऑलमोस्ट सारे शैम्पू सूट कर जाते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. बट ऑयली और ड्राई के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम कौन सा शैम्पू लें, कौन सा कंडीशनर लें. तो आज हम जैसे बात करते हैं, जो ऑयली स्कैल्प होती है हमारी, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वाओ का जो शैम्पू है बहुत अच्छा रहेगा अगर ऑयली स्कैल्प है तो. ठीक है, उसका ही आप कंडीशनर लो तो आपको अच्छा वर्क मिलेगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीम वाला जैसे कोकोनट ऑयल लगा रहे हो, ये लगा रहे हो तो और ज़्यादा ऑयल आएगा जिसकी वजह से आपके हेयर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे. तो आपको क्या करना है, आपको सीरम लगाना है. लाइक ऑयलिंग आपको बहुत रेयर करनी है, आपको रोज़ ऑयलिंग नहीं करनी है. या फिर अगर आप तीन बार अगर शैम्पू कर रहे हो तो तीन बार आपको ऑयलिंग नहीं करनी है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वीक में ओनली एक टाइम ही आपको ऑयलिंग करनी है. लेकिन आप जब जब शैम्पू करो, आफ्टर कंडीशनर आपने हेयर वॉश सब अच्छे से कर लिया है, उसके बाद आपको 2-3 ड्रॉप सीरम्स के लेने हैं, उसको रब करके अपने हेयर में आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो बालों के अंदर जो शाइन होगी ना, शाइन रहेंगे बट बाल रिफ्रेश रहेंगे. ऐसा नहीं लगेगा कि बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी है या फिर धोए ना धोए बराबर ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ. अब हम बात करते हैं जिनकी ड्राई स्कैल्प होती है. तो ड्राई स्कैल्प के लिए आई थिंक मामा अर्थ का जो कैरेटिन वाला शैम्पू है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, क्योंकि वो साथ ही साथ में आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है. और उसका जो कंडीशनर, ऐसा नहीं है, मामा अर्थ के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि आप कोई भी कंडीशनर यूज़ करोगे तो आपके हेयर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. और उसके बाद में आपको सीरम तो यूज़ करना ही है. सीरम आप सारे स्कैल्प वाले कर सकते हो बट ऑयली स्कैल्प के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. नॉर्मल वाले चाहे तो सीरम को स्किप कर सकते हैं, ठीक है. और सीरम का काम क्या होता है, सीरम हमारे हेयर को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है, एक कहीं ना कहीं शाइन देता है कि हाँ आपके बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं, ग्लॉसी लग रहे हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं और एकदम चंपू टाइप हार बाल नहीं लगते आपके. जब भी आप सीरम लगाओ, चाहे आप ऑयली स्कैल्प वाले हो या फिर ड्राई स्कैल्प वाले हो, सीरम का लगाने का ये होता है कि जब आपके बाल थोड़े से जो गिल्ले होते हैं ना, एकदम पानी पानी निकल रहा है, उसको आप अच्छे से सोख लो. बाल एकदम लिटल गिल्ले होने चाहिए, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़े से गिल्ले होने चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद में आपको 2-3 ड्रॉप्स लेने और लगाना है, ठीक है. और ऑयलिंग जो ऑयली स्कैल्प होती है उनको ऑयलिंग बहुत रेयर करनी है ताकि आप खुद डिफरेंस आप देख पाओगे बिफ़ोर एंड आफ्टर के. पहले आपके हेयर कैसे लगते थे, अब आपके हेयर कैसे लगते हैं, तो आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा. और जो सीरम होता है, सीरम का काम कहीं ना कहीं ऑयलिंग का ही होता है. जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प वाले होते हैं उनके लिए चीज़ बेस्ट रहती है, उनको ज़्यादा ऑयलिंग करने की नीड नहीं है. और जो ड्राई स्कैल्प वाले हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प होती है, उनको ऑयलिंग के साथ साथ में सीरम भी यूज़ करना है. क्योंकि ऑयलिंग से तो आपका मॉइस्चराइज़र होगा लेकिन आफ्टर शैम्पू कंडीशनर के बाद बाल आपके स्मूथ हो जाएंगे कंडीशनर से बट शाइन नहीं आएगी. तो शाइन के लिए सीरम आपको यूज़ करना ही है. आई होप सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा हो. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि सीरम्स के यूजेज या कुछ भी या इसके बालों के रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।